पूर्व मंत्री जीएस बाली ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही व ढिलमुल रवैये की वजह से आज स्कूल व अभिभावकों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। इस वजह से आज अभिभावक सड़कों पर हैं। कोरोना काल के दौरान सरकार बार बार अपने फैसले बदलती रहती है, जिसकी वजह से आज प्रदेश में असमंजस की स्थिति है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तुरंत एक क्लियर नोटिफिकेशन निकालनी चाहिए, जिससे साफ हो सके कि निजी स्कूल क्या कर सकते हैं क्या नहीं। देखिए, बात यह है कि कोरोना के दौरान कई बार सरकार ने ऐसे बयान दिए कि कोरोना के, क्योंकि लोगों को बड़ा नुकसान हुआ, कुछ लोग नौकरी से चले गए, कुछ का रोज़गार बंद हो गया, तो सरकार ने बार बार अपने बयान दिए कि इनको बाध्य ना किया जाए एनुअल फ़ी के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। तो अब जो गवर्नमेंट ने टाइम एंड अगेन अपने बयान बदले हैं सरकार के लोगों ने, उससे काफ़ी कंफ्यूजन है अभिभावकों में और स्कूल मैनेजमेंट में। तो गवर्नमेंट को बिल्कुल क्लियर कट जो है गाइडलाइन के साथ नई नोटिफिकेशन देना चाहिए, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, लोग सड़कों पे ना उतरें और इसका जो है लाभ जो है वो अभिभावकों को भी मिले और बच्चों को भी मिले। क्योंकि अभिभावक ये कहते हैं जब बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई तो फीस किस चीज़ की। जो मैनेजमेंट है वो कहते हैं हमारे खर्चे नहीं चल रहे। तो दोनों के पक्ष हैं, उनको जा सुने, उसके ऊपर पॉलिसी, सरकार का काम होता है कि क्लियर कट गाइडेंस या क्लियर कट पॉलिसी लेके आए। तो मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये काम करना चाहिए और ताकि ये लड़ाई झगड़े जो है ये खत्म हो सके। आपका फैसला टीवी के लिए धर्मशाला से सनी महाजन की रिपोर्ट।